कॉन्सेप्ट में दोस्ती माना था, और रही बात शादी की प्यार की तो मैं नहीं कर सकती।
शैडो भाई के लिए मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं समझ सकता तुम्हारा दर्द। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जैसे एक तुम एक मैं। तुम वो कि अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार ना मिले तो तुम जाने दोगी, एंड मैं ऐसा हूँ कि अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो मुझे चाहिए तो बस चाहिए कैसे भी करके। जानते हो पर वो बी से प्यार करता है। हाँ पर बी तो नहीं करती ना। हाँ पर उसकी फैमिली मान जाएगी तो शादी तो हो ही जाएगी ना। जिस तरह तुम भाई से प्यार करते हो और वो तुमसे नहीं करते, उसी तरह भाई भी से प्यार करते हैं पर भी उससे नहीं करते। एंड इस केस में जब भी भाई को मिल सकती है तो भाई भी तुम्हें मिल सकता है। पर भी नहीं जानती थी कि जॉन से उससे प्यार करता और वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। एंड वो नहीं जानता था कि मैं किसी और से प्यार करती है या नहीं। पर मैं जानती हूँ वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके ठीक है, मान लो उनकी शादी होने भी लगी तो ब्राइड की जगह पे तुम्हें बदल लूंगा या ग्रूम की जगह पे मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम दोनों को मिला कर रहूंगा। ओके प्रॉमिस। अब तो सर मत हो, मेरे प्रॉमिस पर भरोसा है ना? देखो मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में नहीं कर रहा मजाक। यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड्स। पर मैं नहीं चाहती कि वो बिना अपने मर्जी से मेरे साथ रहे। ओके देन फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो लड़की खुद इस शादी से मना कर दे। सच में ना? हाँ हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो लड़की भाई से प्यार नहीं करती। खैर से ऐसा हो श्योर। देखिए बाकी सारी बातें हो जाएंगी, आप तो ना बस आ जाइए। अच्छा ठीक है मैं बात करूंगी। देखिए बात करने का टाइम नहीं है, आप लोग बस आ जाइए, बाकी बातें यहाँ पर हो ही जाएगी। ओके ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। वो लोग आ रहे हैं, हमें कुछ भी करके शादी से पहले चंकू का राज पता करना होगा। वो 27 साल का हो गया एंड आई एम डैम श्योर उसे उसका रूप मिल गया होगा। अब उसे कौन सा नया रूप लेना, इतना ज्यादा हो गया। अरे मैं न्यू पावर की बात कर रही हूँ जो उसे मिलने वाला था। चंकू एक आम इंसान नहीं है। हाँ तो जब उसे मिलेगा तो वो तो तुम्हें बता ही देगा। हाँ जानती हूँ पर हमारे पास टाइम नहीं है, सो हमें खुद पता लगाना होगा। क्योंकि विक्ट्री के इस घर में आने से पहले हमें चंकू का राज पता होना बहुत जरूरी है। हाँ फिर तुम्हें विक्ट्री देने से कोई नहीं रोक सकता राइट। देखो वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं चल के क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी नहीं, तुम चाहते हो एंजेला की शादी कोरिया में हो। अगर उसे कोरिया में ही रखना होता ना तो हम यहाँ नहीं आते। मैं सब कुछ भी नहीं चाहती पर एक बार देख तो सकते हैं ना। हाँ देख सकते हैं पर तुम्हें पता है ये कितना रिस्की है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जानती हूँ पर हमारे लिए एंजेला की खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्या खुशी, एंजेला उससे प्यार नहीं करती है, बस पसंद करती है, वो भी एज अ फ्रेंड। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ उसे लाने। क्या मतलब तुम कोरिया जा रहे हो? हमें कोरिया जा रहा हूँ और एंजेला को वापस लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है मैं भी चलूंगी। क्यों तुम क्यों जाओगी? ऐसे ही तुम सब वहाँ रहोगे तो मैं अकेले घर पे क्या करूंगी, मैं भी चलूंगी। अच्छा ठीक है। ये टक्कर भी होना जरूरी था क्या? पता नहीं वो लोग ठीक है या नहीं। मामा आई थिंक हमें देखना चाहिए। हाँ हम देख लेते हैं, वैसे तुम दोनों ठीक तो हो ना? यस डैड हम ठीक है, पता नहीं वो लोग ठीक है या नहीं। चलो उनसे पूछ कर आते हैं। क्या हुआ तुम लोग क्यों गई? शॉक क्यों हो गया? भाई तुम ठीक हो? तुम दोनों सिंबल
भी ठीक हो। आप लोगों को कभी हमारी याद नहीं आई, आप लोग क्यों नहीं हमारे पास आए? हमें नहीं पता था कि तुम लोग ठीक हो, वरना हम क्यों नहीं आते? हमें लगा उस हादसे के बाद भी जंगो का और चिमिशुका की तरह तुम लोग भी, हमें लगा कि हमने तुम्हें भी खो दिया, पर तुम लोग क्यों नहीं आए? हमें भी ऐसा लगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने जिंदी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि चर्च में आग लग गई है इस वजह से, और कुछ देर बाद ये न्यूज भी आई कि चर्च में बहुत सारे लोग जल गए। I'm sorry, चलो थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। हमें भी माफ कर दो, हमने भी आपको नहीं ढूंढा। मॉम ही फायर आंटी और जियो अंकल है। जिमिन भाभी, भाभी ठीक है? नहीं जिमिन नहीं है, एंजल है, बस उसकी तरह दिखती है। हाँ सच में पूरी, एंड आपको बताएं हमारे पास भी वी भाभी है। वो सच में वी ठीक है? नहीं मतलब एंजला, वो बिल्कुल वी जी की तरह दिखती है, जैसे कि एंजल जिमिन दी की तरह। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम लोग अभी कोरिया में रहते हो क्या? नहीं वो एक्चुअली हम एंजला को लेने आए, वो अभी कोरिया में ही है, मतलब कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के साथ आई थी। वैसे एंजला इस वक्त है कहाँ? पहले घर चले फिर हम आराम से बात करेंगे। अच्छा ठीक है चलो। फिर सारे लोग घर चले जाते हैं। ओह एंजला अपने फ्रेंड के घर है तो तुम लोग उसे लेने आए हो? हाँ एक्चुअली एंजला के फ्रेंड की फैमिली एंजला को पसंद करती है, एंड उन लोगों ने रिश्ते की बात करने के लिए हमें बुलाया है। हाँ पर हम रिश्ते की बात करेंगे नहीं, ये बात ध्यान में रख लो। पर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? इतनी अच्छी फैमिली है उसकी, इतना अच्छा लड़का है, फिर क्या प्रॉब्लम है? एक बार बात तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट कर देना। क्या हुआ एंजला की शादी की बात हो रही है क्या? कल एंजला का बर्थडे था और उसके फ्रेंड ने पार्टी में सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया शादी के लिए। ओह तो एंजला ने क्या कहा? उसने हाँ कहा? नहीं उसने हम पर ये डिसीजन छोड़ दिया। ओह तो मतलब अब आपकी बेटी की शादी होगी? पता नहीं क्योंकि जेहब एंजला को वापस लाने जा रहे हैं। पर क्यों अंकल आप क्यों नहीं चाहते? मुझे बस कोरिया में उसकी शादी नहीं करनी है, मैं नहीं चाहता आगे चल के कुछ भी हो। सही कहा, कोरिया में तो मैं भी नहीं रहना चाहती। हाँ पर आई थिंक एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ वही तो। पर भाई वो तुमसे बड़े हैं और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, समझे? हाँ मैं भी बड़ों के साइड हूँ। ओके यार मैं आज संडे है तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं संडे को लाइव आऊंगी तो मैं आ रही हूँ आज लाइव। आप लोगों को बोला था टाइम बताने पर आप लोगों ने तो बताया नहीं, तो मैं 5 बजे लाइव आ रही हूँ शाम को। ओके okay?